सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का आपको फौरन पता चल जाए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, बात करेंगे आज हम सेकेंड ईयर के पेपर पैटर्न स्कीम के हवाले से कि आपको पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन पर बहुत ज़्यादा फोकस करके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो 17 मार्क्स का होता है, 17 ही MCQs पूछे जाते हैं, लेकिन आपको उसके लिए 20 मिनट्स दे दिए जाते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास ये चैप्टर वाइज स्कीम बनी होती है, चैप्टर नंबर 13, 17 और 20 से सिर्फ एक एक MCQs पूछा जाता है। तो यहाँ से इट मीन्स कि आप एक एक नंबर ले सकते हो, लेकिन अगर आप देखो 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, अगर आप इन चैप्टर्स को तैयार करते हो तो आप हर चैप्टर में से चूक के दो दो MCQs पूछे जाएंगे तो दो दो नंबर ले सकते हो। इट मीन्स अगर हम देखें तो 3, 3, 6 और एक 7, 7 चैप्टर्स में से आप अगर तैयारी कर लो 14 मार्क्स आपके पक्के हैं इन 17 में से, ठीक है। तो आपको जैसे ही आप पेपर के लिए जाते हो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में आपको सारे सही वाले आंसर्स को लिखना होता है और उसके बाद वो 20 मिनट के बाद शीट आपसे वापस ले ली जाती है। उस 20 मिनट के बाद आपको मिलता है सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद होते हैं। शॉर्ट की अगर हम बात करें तो 3 डिफरेंट सेक्शंस अवेलेबल होते हैं, चॉइस आपको भरपूर दी जाती है। सबसे पहला सेक्शन आपको क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से नज़र आएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा MCQs बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 में 12, 14 और 15 चैप्टर में से 4-4 सवाल पूछे जाते हैं। इट मीन्स टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं। अब आपको चॉइस दी जाती है कि आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। वो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है वो जल्दी से देखा पढ़ा कौन कौन से आते हैं अटेम्प्ट कर दिए। जैसे ही आप 8 अटेम्प्ट कर लेते हो आपने 9th पे जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना? क्योंकि एग्जामिनर उसको एज अ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे ही आप 9 क्वेश्चन करोगे, चाहे आपका एक स्टार्टिंग वाला गलत हो गया है तो वो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, वो इसको कट कर देंगे। सो आपने इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, हर एक सेक्शन शॉर्ट का जो है उस पर 30 मिनट्स आपने लगाने हैं, क्योंकि आपको पूरे सब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए 2 hours 40 मिनट्स दिए जाते हैं। 30 मिनट्स में आप कोशिश करो कि 2-4 मिनट पहले करके अपने तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो। देन आप क्या करोगे, आपके पास नेक्स्ट सेक्शन आएगा 13, 16, 17 और 18 चैप्टर में से आपको 3-3 सवाल पूछे जाएंगे। इन चारों चैप्टर में से जब 3-3 सवाल पूछे जा रहे हैं, इट मीन्स अगेन 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। उसी तरह से जैसे ही आप 8 अटेम्प्ट कर लोगे, आपने 9th वाले को एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पे अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि कंसीडर नहीं होगा। इस वाले पे भी आप 30 मिनट्स मैक्सिमम लगाओ, इससे ज़्यादा आपने नहीं एक्सीड करनी लिमिट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर हम चलें तो ये हमारे पास डिफरेंट है। 19th चैप्टर में से 3 सवाल पूछे जाते हैं, 20 में से 2, जबकि 21 में से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह टोटल 9 क्वेश्चन इस सेक्शन में मौजूद होते हैं, जिसमें से 6 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब वो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है वो जल्दी जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। अगेन इसको भी 30 मिनट्स, क्योंकि ये हमारे पास 6 क्वेश्चन है तो इसको आप 25 मिनट्स तक अटेम्प्ट करें तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे ये अटेम्प्ट कर लिए, अब आप लॉन्ग क्वेश्चन पे जा सकते हो। लेकिन अब हम उन बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, टाइम बहुत कम रह गया है और उन्हें चाहिए कि बस वो क्विक किसी तरह से रिवीजन करें और अपने मार्क्स को सिक्योर करें। तो आप लोगों के लिए वो स्कीम है कि देखें सबसे पहले MCQs कहाँ से दो दो पूछे जा रहे हैं इन तमाम चैप्टर्स में से, तो इन चैप्टर्स को अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम चलें तो हर 12, 14 और 15 ये चैप्टर्स आप ऑलरेडी तैयार कर चुके हो। जब आपने अच्छे से तैयार किए होंगे 4-4 आप आराम से अटेम्प्ट कर सकोगे। इट मीन्स ये वाला जो आपका पहला सेक्शन है शॉर्ट का, ये भी पूरी तरह से सिक्योर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ अगर आप चलें तो 16 भी, 18 भी, और हमारे पास जो बाकी बच चुका है एक 17, ठीक है जी। सिर्फ इन्हीं दो में से अगर आप देखें तो 3 इसमें से अटेम्प्ट, 3 इसमें से अटेम्प्ट, 6, तो एटलीस्ट आप 6 वाले इस पोर्शन में से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने इन चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लिया है। फिर अगर हम बात करें 19 चैप्टर जो कि आपने यहाँ कर लिया,
20 चैप्टर को अभी निकाल के 21 को देखें, ये भी आप ऊपर MCQs के हवाले से फुल फ्लैश तैयार कर चुके थे। 19 में से 3 क्वेश्चन आने हैं जबकि 21 में से 4 क्वेश्चन आने हैं। अटेम्प्ट आपको 6 करने हैं लेकिन आपके 7 प्रिपेयर हैं, तो यहाँ से आपका थर्ड सेक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। सिर्फ फोकस कहाँ करने हैं, इन चैप्टर्स के ऊपर। बाद में आप अगर चाहते हो कि आप और अच्छे नंबर लो तो इनको तैयार ज़रूर करो, लेकिन सबसे पहले इन पे फोकस ज़रूर करना है। तो जैसा कि हम लोगों ने देख लिया, MCQs से हमारे 17 मार्क्स आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस को लेके हमारे 44 मार्क्स आ रहे थे, ठीक है। तो हमारा जो टोटल पेपर है वो 85 मार्क्स का है, बाकी के जो 24 मार्क्स हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो वो हम गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके पास बहुत चॉइस है। लॉन्ग क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के दो पार्ट्स होते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पार्ट हमेशा थ्योरी बेस्ड होता है जबकि दूसरा जो है वो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो अगर हम लोग अपने स्कीम को देखें, चैप्टर नंबर 12 से आपका थ्योरी पोर्शन होगा, ए पार्ट हमेशा थ्योरी पोर्शन, जबकि चैप्टर नंबर 13 से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इसी तरह अब जब आपने ये दोनों अटेम्प्ट कर लिए तब आपका पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और चूंकि आपको लिखा होता है कि कोई से 3 अटेम्प्ट करने, तो 3 का ये हरगिज मतलब नहीं होता कि आप इसमें से एक ये पोर्शन अटेम्प्ट कर लें, दूसरा कहीं और से अटेम्प्ट कर लें, नहीं। क्वेश्चन पूरा ये बन रहा है तो दोनों पार्ट्स इसी के आपने कंप्लीट करने। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें, चैप्टर नंबर 14 एंड 15 आपको क्या बताएंगे, एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जबकि 14 में से थ्योरी पोर्शन होगा और 15 में से आपका न्यूमेरिकल होगा। थ्योरी पोर्शन के होते हैं 5 मार्क्स जबकि न्यूमेरिकल के होते हैं 3 मार्क्स, ठीक है। इसी तरह जब आप ये अटेम्प्ट कर लोगे ये पूरा एक पोर्शन, तो आपका एक क्वेश्चन कंसीडर होगा। नेक्स्ट अगर आप देखो तो चैप्टर नंबर 16 का 18 के साथ पेयर बनाया जाता है, 16 में से थ्योरी पोर्शन आता है जबकि 18 में से न्यूमेरिकल पोर्शन। थ्योरी पोर्शन के 5 मार्क्स अगेन, न्यूमेरिकल के 3 मार्क्स, और ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बाकी आपके पास 19 और 17 का एक पेयर बनता है, चूँकि 19 ए पार्ट में है थ्योरी पार्ट, और हमारा 17 चैप्टर न्यूमेरिकल के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। पूरे पेपर में हमें क्वेश्चन नंबर 9 तक देखने को मिलता है और आखिरी क्वेश्चन 9 लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड है जो कि 20 और 21 चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। 20th चैप्टर से आपका थ्योरी पोर्शन आएगा जबकि 21 से न्यूमेरिकल आएगा। अब अगर आप गौर करो तो हम लोगों ने जैसे ही अपनी वीडियो का स्टार्ट किया था, MCQs के बारे में बताया था, हमने कहा था 13, 17 और 20 चैप्टर से सिर्फ एक एक MCQs आना है, और उसी के हवाले से हमने उनके शॉर्ट की बात की। अब अगर हम लॉन्ग की बात करें तो ये 13 वाला हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, 17 वाला यहाँ पे मौजूद है, जबकि 20th वाला यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये हम लोग ज़रा मार्क कर लेते हैं, 20 ये हमारे पास आ गया 17 वाला, और ये आ गया है जी 13 वाला, ठीक। अब अगर आपने इनमें से भी अपने मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने हैं तो देखो चैप्टर नंबर 13 में से सिर्फ 3 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है जो कि आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। इट मीन्स कि अगर आप इस पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन बाकियों को आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना, ठीक है। क्योंकि आपका जो चैप्टर नंबर 20 है उसमें से पूरा एक 5 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। चैप्टर नंबर अगर आप 17 को भी देखो तो इसमें भी आपके पास थोड़ा सा मार्जिन है कि आप 3 मार्क्स को अगर नहीं करते तो आप बाकियों को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से वो बच्चे जिन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है वो इनमें से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अभी करनी है, जो अभी सोच रहे हैं, उन्होंने बाकी हर पोर्शन में तो अपने मार्क्स को सही से कर लिया, लेकिन अगर लॉन्ग के हवाले से देखा जाए तो वो या क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 8 के हवाले से दोनों में से किसी एक को या दोनों को ही चॉइस पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका ये और ये वाला पोर्शन मिलके आपके तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर देगा। अब देखा जाए तो हर एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके 8 मार्क्स बन रहे हैं दोनों पार्ट्स को मिला के, 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं, सो 24 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर लोगे। तो ये बहुत इजी सी पेयरिंग स्कीम है जिसके अकॉर्डिंग आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक को जरूर क्लिक करें।